हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है अविघ्न फूड बुक में। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है चॉकलेट सिरप की रेसिपी। ये बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी घर पर बन जाती है, बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट भी आता है। तो चलिए बनाने चलते हैं चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप बनाने के लिए मैं इस छोटी सी कटोरी को सारी सामग्रियों के माप के लिए ले रही हूँ। सबसे पहले एक पैन में हम ये चार छोटी कटोरी पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। चार कटोरी पानी डाल दिया है। अब सेम कटोरी से हम शुगर डालेंगे। ये सेम कटोरी, दो कटोरी मैं शुगर ले रही हूँ। सेम कटोरी के माप से हम कोकोआ पाउडर लेंगे। ये एक कटोरी कोकोआ पाउडर है। गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इन सब को हम मिक्स करेंगे जब तक कि ये शुगर हमारी घुल ना जाए। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। इसको लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि अभी इसमें कुछ सामग्रियां और डालनी हैं जिससे चॉकलेट सिरप का टेस्ट आएगा और वो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। शुगर घुल चुकी है। अब इसमें हम ये आधा कटोरी कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर मिक्स करके हमें जल्दी जल्दी चलाना है और हाथ को रोकना नहीं है जिससे कि लम्स ना पड़ जाए। लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे। देखिए कितना अच्छा चॉकलेट सिरप तैयार हो रहा है। इसी तरह से लगातार लो फ्लेम पर हम चलाएंगे। इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी इस तरह से रहेगी। सबसे लास्ट में हम इसमें आधा चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे। ये फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे। इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों अच्छे बहुत अच्छा आता है। देखिए चॉकलेट सिरप ने किनारे छोड़ दिए हैं। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे। इसको एक बाउल में डालेंगे। हमारा चॉकलेट सिरप तैयार है। यदि आपको ये चॉकलेट सिरप की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स अविघ्न फूड बुक पर शेयर करें। एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।